कुछ शब्द है मेरे पास जिसने भी ये ओछी हरकत की है। मैं सौरभ पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जैसे कि आपने ऊपर थंबनेल में देखा होगा तो समझ गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस पे होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आज आप लोगों से लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये हमारा वीडियो और अधिक लोगों तक पहुँचे और इसकी जानकारी हो पाए और गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो मैं आपको शुरुआत में कुछ क्लिप दिखा देता हूँ जो कि ये है। दोस्तों जो फोटो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे थे ये फोटो दोस्तों केरल राज्य के मल्लीपुरम नामक एक गांव से ये फोटो आया हुआ है। दोस्तों मैं आप सब लोगों को बता दूं कि एक हाथी थी जो कई दिनों से भूखी हुई थी, जिसके पेट में उसका एक बच्चा था यानी हाथी गर्भवती थी और भोजन की तलाश में वो मल्लीपुरम नामक गांव में चली गई, जहां पर एक आदमी ने उसे पाइनएप्पल यानी अनानास में बारूद भर कर दे दिया। उसके बाद से हाथी उसको भोजन समझ के उसको ले लिया और बारूद हाथी के सूंड में जाकर पड़ गया, जिसके बाद से हाथी को बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को छिपाने के लिए हाथी झील के पास चली गई जो कि एक झील उसी के गांव के पास में था। उसके बाद से उस हाथी की पीड़ा के चलते वहीं पर मृत्यु हो गई। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे को उस फोटो को देखने के बाद से रुलाई आ गया था और जिसने भी वो उसको बारूद दिया उसके लिए मेरे डिक्शनरी में 2-4 शब्द है। मैं आप दोस्तों ये घटना उस केरल राज्य का है जिस राज्य का साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे अधिक है। कोई फायदा नहीं है अगर इतना अधिक साक्षरता दर भी है तो, अगर वहाँ पे भी ऐसे जाहिल लोग हैं जो कि पशु जो शाकाहारी पशु है, हाथी शाकाहारी एक जानवर है जिसका लोगों ने मार दिया, बहुत ही गलत बात ये हुआ। दोस्तों मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि केरला के गवर्नमेंट तक मेरी ये आवाज़ पहुँच सके और उसके वहाँ के जो CM हैं पिनरई विजयन साहब, उनसे मैं मलयालम तो बोल नहीं सकता पर मैं इंग्लिश जानता हूँ, उसमें उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। इट इज़ काइंडली रिक्वेस्ट टू द हॉनरेबल CM ऑफ द केरला मिस्टर पिनरई विजयन, प्लीज़ गिव अस जस्टिस। हम लोग जस्टिस चाहते हैं सर, हम लोग के साथ न्याय कीजिए।